लिए पानी नहीं था तो खाने के लिए कोई फल नहीं था। उसी टाइम में जब सेना घबराती है, अंगद सेना का नायक सोमभद्र को देख करके मन के अंदर मतऊब होता है, एक पर्वत की चोटी के ऊपर उड़ान लगाता है। उड़ान लगा करके चारों तरफ नजर फैलाता है तो एक सामने गुफा दिखाई देती है जिसका एक ही गेट था, बढ़ने के लिए एक ही मार्ग था तो निकलने के लिए भी एक ही मार्ग था। पांच सारस झुंड को देख करके और मन के अंदर विचार करता है कि ये सारस पक्षी जहां निवास करता है वहां खाने के लिए अवश्य कोई ना कोई फल होगा और पीने के लिए जरूर भी कोई जल होगा, कोई जोड़ तपंचा तलाई अवश्य भरी होगी। एकदम से जब सारी की सारी सेना को ललकार लगाता है और सेना को पर्वत की कंदरा के तरफ ला करके खड़ी कर देता है। एक बात की देख राख जो खैर, और अंगद बोलो कि जब तक मैं इशारों नहीं दूं तो तुम गुफा में मत धर दीजो, ये गुफा बहुत तगड़ी है। तब उसी समय जय श्री राम बोल करके और अपनी सेना को गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर एक हेमा नाम की सखी, जिसकी सखी का नाम था सोमप्रभा, जिसे ब्रह्मा का वरदान था कि जा तेरी भक्ति जदि संपद हो सकती है, कि जब भगवान राम की जनक दुलारी सीता का हरण होगा और उनको वनवास लगेगा और वनवास के समय सीता का हरण होगा, रीछ और बानरों का सारा लेकर के और जब तेरे समीप आएंगे और तेरे को सारी की सारी कथा बताएंगे तो ये जान लेना कि तेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। तब उसी समय सेना को देख करके और एकदम से मन के अंदर विचार करती है, बात बाप में विश्वास मेरा वह तो को ना, और पतो लगाओ जब तक मैंने थारो बेरो लागे कोन्या। तब उसी समय कहती है, अरे इतने बंदर, रीछ और बंदरों का टोला, और इस समय कहां जा रहा है। तब उसी समय हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगतनी, कोन्या देख बात को खावा टालो और मैं जीत रहा था कोई संत धर्म को पालो। तब उसी समय एक माला को लेती हुई को जपती हुई को देख करके बोलो आप कौन और कहां से आए हो। तब उसी समय खोल करके बताते हैं कि हम अंगद के, इस समय अंगद हमारा सेना का नायक है और सुग्रीव हमारा राजा है और हम भगवान राम की जनक दुलारी सीता का कोई पापी ने हरण किया है उसका पता लगाने के लिए आए हैं। तब इतनी बात को सुनते ही कहो उसकी कहानी मुझे बताओ, सारी की सारी कहानी बताता है और कहानी बताते समय ही भक्तनी एकदम से प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होकर के और बोलो धाप धाप करके फल खाओ और धाप धाप करके आप पानी पीओ। तब पानी पीते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं तो गुफा का गेट आता है और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो गुफा का गेट आता है। चारों तरफ दीवार ही दीवार, निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता है। और तब उसी समय हाथ जोड़ करके कहते हैं कि या तो यारो सबसे बड़ो तगड़ो काम हो गयो, ऐ डूंगर के ढाडा का बीच में ऐ गुफा के मायने नून जावा तो दीवार, नून जावा तो दीवार। देख बात को मन वे जा मारो मेलो और गुफा में निकल बाटे मन मिल रो को ना पहलो। तब उसी समय भक्तनी के समीप जाकर के कहते हैं कि एक बात को मतो उपादे और मैं अंगद का सेना नायक जा माने गुफा को गेट बता दे। तब उसी समय वो भक्तनी खोल करके कहती है तो क्या तो कह रही थी, क्या भक्तनी की बात को बानर सेना सुन रही थी। लो ना मीच ये रे अपना ने तर लो ना मीच मैं थारो रे पतो लगाऊं आगे अपना ने तर लो ना मीच मैं
हाथ जोड़ कर बोला मारा खेचने तरलीना मीचे अर मारो गांडो ये मात भवानी खेचे गांडो रूप को कीचे अर निकल बाको गेलो बताये ये माता तेर लुड़ लुड़ ये धोख लगाओगे बोलो और जब अपनी माया फैलाई भगतनी से ना कह दे दियो देख जे खोलो और समुंदर तट के माले से ना आ गई प्यारा जन को मन खेचे वे गो धोलो तोलो अरे भगवान तेरी कुदरत वे गई कर लो की तेरी माया को के बेरो लाओगे बोली भगवान राम का पायक बोला बेला जीवा को खेचे जगा जगा छे तेरो अर अनपाता को अरुण का बेटा संपातिक नहीं खेचे सुन पड़ गो छो तेरो अर पर्वत की कंदरा में पड़ा गणा दिन वे गया मैं बीवा को खेचे जन्म कराऊं सोमनू मंच और महेंद्र सर्प सुल्तान जी कांकराला सिमर प्यारो खेचे आगो सुन तो जा सरे पंच और 6100 रुपया बाबा पैरू के दे दिया प्यारा या मैं फर्क नहीं छे यंच और कलयुग का अवतारी पैरू के या दुनिया ही खेचे धोख लगाओगे बीच में एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें।